हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। जो हम पिछले वीडियो में जो कर रहे थे वो बीच में अधूरा रह गया था, उसी को कंप्लीट करते हैं कि सॉल्ट मोनोपोली कंसीडर्ड एज ए कर्स क्यों था। ये साल्ट वाले जो गांधी जी का जो पैसेज है उससे सवाल है। तो सॉल्ट मोनोपोली को उसने कर्स इसलिए बोला है क्योंकि एक तो ये ब्रिटिशर्स के द्वारा इस सॉल्ट टैक्स लगाया गया था, जो कि विकेटली बहुत ही मतलब चतुराई से तैयार किया गया डिजाइन टेक्स्ट था। विकेटली मतलब बहुत ही जो सबको बुरा लगे इस प्रकार की एक चीज़ वाला। द पब्लिक वाज नॉट अलाउड टू मैन्युफैक्चर साल्ट विच वाज ब्रिटिश मोनोपोली की, इसके ऊपर ब्रिटिश मोनोपोली थी, केवल सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करने का राइट्स केवल ब्रिटिशर्स ने अपने पास रखा था। मान लीजिए आप किसी कोस्टल पार्ट पर रहते हो तो वहाँ भी आपको सॉल्ट मैन्युफैक्चर करने की परमिशन नहीं दी गई थी। और यदि इंडियंस नेचुरल रूप से भी कोई सॉल्ट अवेलेबल है यदि उसको यूज़ करते थे तो उसके ऊपर भी उन्हें टैक्स पे करना पड़ता था, या फिर ब्रिटिशर्स उसको जब्त करके उसको रिस्टोर कर देते थे। हाउ डिड गांधी इलस्ट्रेटेड हिज विजडम बाय चूजिंग सॉल्ट, के साल्ट को एज ए उन्होंने दांडी मार्च के रूप में उन्होंने सॉल्ट को चूज किया, तो उन्होंने गांधी जी ने ये चूज किया वो कैसे, उनका एक टेक्टिकल विजडम था। तो देखिए सॉल्ट था वो गांधी जी ने सॉल्ट को धीरे धीरे एज ए सिम्बोलाइज यूज किया, क्योंकि सॉल्ट था वो हिंदू मुस्लिम और या फिर सारे रिलीजन के लोग यूज़ करते हैं, पुअर हो रिच हो सभी लोग यूज़ करते हैं बिना किसी कास्ट डिफरेंस के, मतलब ऑल इंडियंस यूज द सॉल्ट। और सभी सॉल्ट टैक्स से ब्रिटिशर्स के खिलाफ हम परेशान थे, तो धीरे धीरे गांधी जी के साथ लोग जुड़ते चले गए। और ब्रिटिशर्स ने कभी ये सोचा भी नहीं था कि सॉल्ट जैसे एक छोटे से मुद्दे को लेकर इतना बड़ा एक मूवमेंट खड़ा किया जा सकता है। तो गांधी जी चूज सॉल्ट एज ए मीडियम ऑफ प्रोटेस्ट बिकॉज सॉल्ट अफेक्टेड द रिच एंड पुअर अलाइक, इट वॉज एन इंडिस्पेंसिबल आइटम ऑफ द इंडियन हाउस होल्ड, कि भारत के घरों में काम करने वाले एक अनिवार्य चीज़ थी, इसके बिना कोई ना हमारा कोई खाना बनता है ना कोई सब्जी बनती है, आप सबको पता है। द सॉल्ट मोनोपोली डिप्राइव्ड द पीपल ऑफ ए वैल्यूएबल विलेज इंडस्ट्री, कोस्टल पार्ट्स में नॉर्मली उस समय ब्रिटिशर्स के आने से पहले सॉल्ट हमारे यहाँ एक विलेज इंडस्ट्री के रूप में काम कर रही थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने जब इसके ऊपर मोनोपोली स्टेब्लिश की तो ये विलेज इंडस्ट्री धीरे धीरे खत्म हो गई। तो इसी कारण जो पुअर लोग थे वो अपना जो काम चला रहे थे उनको इससे हाथ धोना पड़ा। एक कमोडिटी प्रोड्यूस फ्री ऑफ कॉस्ट बाय नेचर एंड अवेलेबल इन अबंडेंस फॉर टेक्स्ट, ये सॉल्ट एक ऐसी कमोडिटी थी जो कि नेचर के द्वारा हमें मिली हुई है बाय एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि हमें फ्री में मिलता है कोस्टल पार्ट में और सब जगह, और उसके ऊपर ब्रिटिशर्स हमसे टैक्स ले रहे थे, तो इसलिए सब लोग सॉल्ट टैक्स से परेशान थे। तो गांधी जी ने यहाँ पर एक टेक्टिकल विजडम दिखाया कि उन्होंने एक ऐसी चीज़ को चूज किया जिसके कारण एक बड़ा मोमेंट वो खड़ा कर पाए। वाट वॉज द सिग्निफिकेंस ऑफ गांधी जी चैलेंज ऑफ सॉल्ट प्रोटेस्ट, तो इट वॉज ए इंडिस्पेंसिबल आइटम ऑफ द इंडियन हाउस होल्ड, वही सवाल आएंगे इसमें। ए कमोडिटी प्रोड्यूस फ्री ऑफ कॉस्ट बाई नेचर एंड अवेलेबल इन अबंडेंस फॉर टेक्स्ट, इट बोट हिम टू द वर्ल्ड अटेंशन, कि सॉल्ट के कारण है वो गांधी जी पूरे वर्ल्ड के अटेंशन में आ पाए, पूरे वर्ल्ड की नज़रों में आ पाए। ठीक है, नेट को मैंने बंद कर दिया वरना अदरवाइज दोबारा डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। दूसरा, दिस इवेंट वॉज कवर्ड बाय द इंटरनेशनल प्रेस, सॉल्ट वाला जो मूवमेंट होता है उसमें पहली बार टाइम मैगजीन के ऊपर गांधी जी के इस मूवमेंट को प्रेस ने कंसिडर किया था। पीपल ऑल ओवर कंट्री ब्रोक द सॉल्ट लॉ, की सॉल्ट लॉ गांधी ने अहमदाबाद से दांडी तक एक मार्च किया था, लेकिन इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, जैसे इसमें सिंपल से एग्जाम्पल आपके मद्रास में चेंबरलिन में एक मूवमेंट शुरू हुआ है, इसी प्रकार से आपके जो आंध्रा कोस्टल पार्ट है वहाँ पर एक मूवमेंट शुरू हुआ, तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में लोगों ने सॉल्ट लॉ को ब्रोक किया और मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। और पहली बार वीमेंस पार्टिसिपेट इन लार्ज मेंबर, कि पहली बार महिलाओं ने भारत में एक ऐसा मूवमेंट हुआ जिसमें बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट किया है। आपको पता हो सॉल्ट के बाद जो दर्शाना मूवमेंट हुआ था वो स्पेशली महिलाओं स्पेशली सरोजिनी नायडू के लीडरशिप में ही किया गया था इस प्रकार का एक मूवमेंट। तो ये 6 पॉइंट है, कोई भी 3-4 पॉइंट आप लिख सकते हो। टुमारो वी विल ब्रेक द सॉल्ट टैक्स लॉ, ये गांधी जी का स्टेटमेंट है, गांधी जी का ये पूरा स्टेटमेंट इसी में सॉल्ट से रिलेटेड है, कि ऑन अप्रैल 5 को जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू करने वाले थे और पहुंच के जब चले गए थे दांडी पहुंच गए थे तो वहां पर गांधी जी ने बोला था कि कल हम सॉल्ट लॉ को ब्रेक करेंगे। वेन आई लेफ्ट साबरमती, अब यहाँ पे गांधी जी बता रहे हैं कि साबरमती से जब वो चले थे अपने कंपेनियन के साथ तो उन्हें लग रहा था कि वो कभी भी यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे और ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको रास्ते में रोक देगी, तो इसके बारे में कुछ बातें कर रहे हैं कि आई वॉज नॉट सर्टेन इन माई माइंड दैट वी वुड बी अलाउड टू रीच दिस पैलेस, कि मैं मेरे दिमाग में ये सुनिश्चित नहीं था कि हम इस जगह कभी पहुँच पाएंगे। इवन वाइल आई वॉज एट साबरमती देर वॉज रूमर दैट आई माइट बी अरेस्टेड, जब मैं साबरमती में था तभी अफवाहें उड़ रही थी कि मेरे को अरेस्ट कर लिया जाएगा। आई हैड थॉट दैट दी गवर्नमेंट माइट परहैप्स लेट माई पार्टी कम एज फार एज दांडी बट नॉट मी सर्टेनली, निश्चित रूप से मैं ये तो जानता था कि हो सकता है कि मेरी पार्टी को यानी मेरे दल को दांडी आने दिया जाए, लेकिन मैं अपने बारे में जानता था कि मेरे को तो निश्चित रूप से ही पहले ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। इफ समवन सेज दैट द बाय ट्रेड इन्फेक्टेड फेथ ऑन माय पार्ट आई शैल नॉट डिनाई द चार्ज दैट आई हैव रीच्ड हियर
इज इन नो स्मॉल मेजर ड्यू टू द पावर ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस, द पावर इज यूनिवर्सली फेल्ट। तो अब गांधी जी बताने की कोशिश करेंगे, मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो इसके पीछे दो ही पावर काम कर रही है, पहला मेरा पीस शांतिपूर्ण और दूसरा नॉन वायलेंस। द गवर्नमेंट मे इफ इट विशेज कॉन्ग्रेचुलेट इट सेल्फ ऑन एक्टिंग एज इट हैज डन, फॉर इट कुड हैव अरेस्टेड एवरी वन ऑफ अस। गवर्नमेंट हो सकता है अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हो कि हम कि ये सब मूवमेंट बहुत शांतिपूर्ण रहा है, वो चाहती तो हमें से किसी को भी अरेस्ट कर सकती थी। इन सेइंग दैट इट डिड नॉट हैव द करेज टू अरेस्ट दिस आर्मी ऑफ पीस वी प्रेज इट। लेकिन गांधी जी अब यहाँ पर बता रहे हैं कि गवर्नमेंट अपनी पावर को इसलिए यूज़ नहीं कर पा रही थी क्योंकि जो सारा मूवमेंट था वो बहुत ही पीसफुल था, तो गवर्नमेंट में अपना करेज भी नहीं था कि वो इस पीसफुल मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे लोगों को अरेस्ट कर पाती। इट फेल्ड एस्टिमेट टू अरेस्ट सच एन आर्मी, क्योंकि इस प्रकार की आर्मी को अरेस्ट करना निश्चित रूप से सरकार के लिए शर्मिंदगीपूर्ण कार्य होता है। ही इज ए सिविलाइज्ड मैन हु फील्स एस्टिमेट टू डू एनीथिंग विच इज नेबर्स वुड डिसअप्रूव, द गवर्नमेंट डिजर्व टू बी कॉन्ग्रेचुलेटेड और नॉट अरेस्टिंग अस इवन इफ इट रजिस्टर्ड ओनली फ्रॉम फियर ऑफ वर्ल्ड ओपिनियन। टुमारो वी शैल ब्रेक द सॉल्ट लॉ, वेन एवर द गवर्नमेंट विल टॉलरेट दिस इज ए डिफरेंट क्वेश्चन, इट मे नॉट टॉलरेट इट बट इट डिजर्व कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन द पेशेंस एंड फॉरबियरेंस इट हैज डिस्प्लेड इन रिगार्ड टू द पार्टी। सॉरी, देखिए गांधी जी ने शुरू से इन्हें अपने जो मूवमेंट्स होते थे उन मूवमेंट्स में गांधी जी के स्टेटमेंट्स आप पढ़ोगे तो गांधी जी बहुत ही टेक्टिकल फुल माइंड से काम करते थे। एक तरफ वो कल मूवमेंट के द्वारा जो सॉल्ट ब्रेक के द्वारा कानून को तोड़ने जा रहे हैं और दूसरी तरफ वो अपने स्टेटमेंट में गवर्नमेंट की बार बार प्रशंसा भी कर रहे हैं, क्योंकि गांधी जी को पता था कि जैसे ही सॉल्ट ब्रेक होगा तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई इस प्रकार के स्टेप्स लिए जाएंगे। तो गांधी जी अपने इन स्टेप्स के अपने इन स्टेटमेंट्स के द्वारा एक तो वर्ल्ड अटेंशन क्रिएट करना चाह रहे हैं, पूरे वर्ल्ड लेवल पे वो अपने आप के ऊपर अटेंशन भी ले रहे हैं, साथ ही वो गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली एक चेतावनी भी दे रहे हैं कि यदि वो इस प्रकार का कोई भी कदम उठाती है, मेरे को अरेस्ट करती है या लोगों को अरेस्ट करने का काम करती है तो वो अपने आप को डिसऑनर्ड कर लेंगे। तो इसलिए कुछ सवाल है कि व्हाट वर द अप्रिहेंशन ऑफ गांधी जी व्हेन स्टार्टेड इज दांडी मार्च, के दांडी मार्च को जब शुरू किया था तो गांधी जी इसके बारे में उनके क्या पूर्वानुमान थे। तो गांधी जी वाज अप्रिहेंसिव दैट ही माइट नॉट बी अलाउड टू रीच गांधी दांडी, गांधी जी को लगता था कि उन्हें दांडी नहीं पहुंचने दिया जाएगा। गवर्नमेंट माइट परहैप्स लेट दी पार्टी कम एज फार एज दांडी बट नॉट गांधी सर्टेनली। गांधी जी मानते थे कि शायद मेरी पार्टी को तो दांडी आने दिया जाएगा लेकिन मुझे उससे पहले ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। ही विल बी अरेस्टेड ऑन द वे, उन्हें पहले ही रास्ते में कहीं अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये गांधी जी का अप्रिहेंशन था, ठीक है। ये तो इसका सवाल आपको पैसेज से भी मिल जाएगा। हमेशा कोशिश कीजिए कि पॉइंट में लिखिए क्योंकि ज़्यादातर पैसेज होते हैं वो 2, 2, 1 इस प्रकार से पूछा जाता है। तो यदि 2 मार्क्स का एक सवाल पूछा जा रहा है तो मतलब 2 पॉइंट शुड बी देयर। और कई बार पैसेज वाले सवाल में इसका भी ध्यान रखना है कि एक ही क्वेश्चन के अंदर कई सारे पार्ट्स रहते हैं, तो उसमें जो ऑन मार्किंग स्कीम होती है वो इस प्रकार से होती है 1+1+1 या फिर 2+1। तो 1+1+1 का मतलब है कि उसी एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स पूछी गई हैं और तीनों को आपको अलग अलग आंसर देना है, तभी वो 1, 1, 1, 1 मार्क्स दिया जाएगा। ये नहीं कि आप सबको एक ही पैसेज में आंसर लिख डालो और फिर वो टीचर के पास इतना टाइम नहीं होगा, एविलेटर के पास, कि वो आपके 3 मार्क्स के लिए 3 अलग अलग पॉइंट को वहाँ पे खोजने की कोशिश करे। वाई डिड गांधी से दैट दी गवर्नमेंट डिजर्व टू बी कॉन्ग्रेचुलेटेड, गांधी जी ने क्यों कहा कि सरकार को हमें बधाइयाँ देनी चाहिए। तो उसका रीज़न गांधी ने दिया कि गवर्नमेंट डिस्प्लेड पेशेंस एंड फॉरबियरेंस एंड अलाउड गांधी टू रीच गांधी, कि गवर्नमेंट ने गांधी जी को दांडी तक जाने दिया, इतनी उन्होंने पेशेंस दिखाई, इतना उन्होंने साहस दिखाया, उसके लिए गवर्नमेंट को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए। सॉरी मैं कॉल्ड से बहुत परेशान हूँ लेकिन आपके लिए वीडियो किसी भी तरह मैं बनाने कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि आवाज़ में कुछ दिक्कत हो तो आप पढ़ के काम चला लेना। ओके, दैट इज वाई गांधी सेड दैट द गवर्नमेंट डिजर्व टू बी कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन नॉट अरेस्टिंग इवन इफ डेजिग्नेटेड ओनली फॉर द फियर ऑफ वर्ल्ड ओपिनियन, कि गांधी जी ने कहा कि हो सकता है गवर्नमेंट ने मेरे को वर्ल्ड ओपिनियन उनकी खराब नहीं हो जाए इसलिए अरेस्ट नहीं किया हो, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को वी शुड अप्रिशिएट एंड वी शुड कॉन्ग्रेचुलेट। ए स्मॉल बास्केट ऑफ ग्रेप्स, ये आपका पार्टीशन वाले चैप्टर से है कि ग्रेप्स की एक स्मॉल बास्केट, आप इसको पढ़ लेना। इसमें नॉर्मली जो राइटर है वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखता है कि जब वो लाहौर गए हुए थे तो लाहौर से जब उनको फ्लाइट लेनी थी रात को 2 PM तो वहाँ उसके कुछ जानने वाले थे, वो उनका लगातार वेट करते हैं और लास्ट में जब वो उनको विदा करते हैं तो एक छोटी सी बास्केट ऑफ ग्रेप्स उन्हें भेंट करते हैं, उससे रिलेटेड ये पैसेज है। ओके, तो इसमें देखिए दोबारा से कहीं भी पूरे पैसेज में कहीं राइटर का नाम नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन पहला सवाल ही आपसे ये पूछा गया कि व्हाट डू यू नो अबाउट दी खुशदेव सिंह, कि खुशदेव सिंह के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में बताइए। इसका आंसर आपको इस पैसेज में नहीं मिलने वाला है, इसके लिए आपको बुक से ही जाना पड़ेगा और ये सवाल आपके CBSE के शायद 2 साल पहले के जो पेपर है उसमें पूछा गया। तो ध्यान रखिए, मैं बार बार स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, मैं क्लास में समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर बच्चे बड़ा वो इंटरफेयर करते हैं कि पैसेज के अंदर उसका आंसर था ही नहीं तो सवाल कैसे पूछ लिया। तो CBSE इसके लिए बाइंड अप नहीं है, वो आपको सारा बुक आपके सिलेबस के अंदर है।
पैसेज केवल एक रेफरेंस के लिए आपके लिए, कि आपको ध्यान में रहे कि ये कहाँ से पूछा गया है। तो खुशदेव सिंह वाज ए सिख डॉक्टर स्पेशलाइजिंग इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। वो टीबी के इलाज में स्पेशलाइज्ड एक डॉक्टर थे, पोस्टेड एट द धर्मपुर इन प्रेजेंट डे हिमाचल प्रदेश, जो कि धर्मपुर जो कि वर्तमान के हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर पोस्टेड थे। इमर्सिंग हिमसेल्फ इन हिज वर्क डे एंड नाइट, द डॉक्टर प्रोवाइडेड दैट रेयर हीलिंग टच, फूड, शेल्टर, लव एंड सिक्योरिटी टू द न्यूमरस माइग्रेंट्स, मुस्लिम, सिख और हिंदूज अलाइक। पार्टीशन के टाइम उन्होंने बहुत सारे जो माइग्रेंट्स वहाँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, किसी भी कास्ट से रिलेटेड, किसी भी रिलीजन से रिलेटेड लोग आए, उन सबको उन्होंने अपनी तरफ से जो भी हो सकता था वो सारी हेल्प उन्होंने की है, चाहे भोजन से रिलेटेड हो, चाहे आवास से रिलेटेड हो, उनको स्नेह दिया है, उनको सेफ्टी दी है। द रेजिडेंट्स ऑफ धर्मपुर डेवलप्ड द काइंड ऑफ फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन ह्यूमैनिटी एंड जेनरोसिटी दैट द दिल्ली मुस्लिम्स एंड अदर हैड इन गांधी जी, कि धर्मपुर के लोग भी उनके अंदर वैसा ही फेथ और कॉन्फिडेंस रखते थे उनकी ह्यूमैनिटी के अंदर, जेनरोसिटी के अंदर, जैसा कि दिल्ली में रहने वाले मुस्लिम्स को गांधी जी के अंदर था। ही रोन डाउन हिज मेमोरीज इन द बुक लव इज स्ट्रॉगर दैन हेट ए रिमेम्बरेंस ऑफ 1947। उन्होंने अपनी जो याददाश्त है, जो मेमोरीज है, उनको एक बुक के अंदर लिखा। बुक का नाम है लव इज स्ट्रॉगर दैन हेट ए रिमेम्बरेंस ऑफ 1947। बुक का नाम याद रखना। सेकेंड सवाल है, हाउ डिड हिज फ्रेंड्स शो देयर अफेक्शन टू हिम ड्यूरिंग हिज विजिट टू कराची। जब वो कराची पहुंचे तो उनके दोस्तों ने उनके प्रति अफेक्शन कैसे दिखाया। तो देखिए, जो ऑथर है वो जब कराची जाता है तो डिनर के बाद वो अपने फ्रेंड्स से बोलता है कि आप लोग चले जाइए, क्योंकि उसके लेट नाइट फ्लाइट होती है, लेकिन फिर भी उसके फ्रेंड्स हैं वो 2:30 तक उसका वेट करते हैं और फिर उसको एयरपोर्ट तक विदा करने के लिए आते हैं और वहाँ पर उसे एक बास्केट ऑफ ग्रेप्स वेट करते हैं स्नेक के रूप में। दी ऑथर हैड टू ट्रेवल फ्रॉम कराची टू लंदन एंड दी फ्लाइट वॉज शेड्यूल्ड बाई 2:30 AM। ऑल माई फ्रेंड्स वेटिंग फॉर इन लेट मिड नाइट एंड दे ऑल अकम्पनीड मी टू द प्लेन एंड बिफोर पार्टिंग प्रेजेंटेड मी विद ए स्मॉल बास्केट ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, तो इससे वो अफेक्शन दिखाते हैं। हाउ डिड ओरल हिस्ट्री हेल्प द हिस्टोरियंस टू रिकंस्ट्रक्ट द इवेंट्स ऑफ द रिसेंट पास्ट। अब इसका आंसर भी पैसेज में कहीं नहीं है कि ओरल हिस्ट्री है, जो मौखिक हिस्ट्री है, वो हिस्टोरियन से किस प्रकार से पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करती है। तो ओरल हिस्ट्री में क्या क्या शामिल है पहले वो बता देते हैं। ओरल नरेटिव, मेमोरीज, डायरीज, फैमिली हिस्ट्रीज, फर्स्ट हैंड रिटन अकाउंट्स, ऑल दीज हेल्प अस अंडरस्टैंड द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूनल्स ऑफ द ऑर्डनरी पीपल ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। इंडिया में स्पेशली जो पार्टीशन ऑफ कंट्री है उसकी जो हिस्ट्री लिखी गई है ओरल हिस्ट्री की हेल्प से लिखी गई है। इट इनेबल्स हिस्टोरियंस टू राइट रिच टेक्सचर्ड विविड अकाउंट्स ऑफ व्हाट हैपेंड टू पीपल ड्यूरिंग इवेंट्स सच एज पार्टीशन। इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। यदि हम गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से उस समय की हिस्ट्री को लिखने जाएं तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि लोगों ने क्या फील किया, लोगों ने क्या महसूस किया, उन्होंने किस प्रकार की प्रॉब्लम्स को फेस किया। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से नहीं मिल सकती, ये इन्फॉर्मेशन हमें ओरल हिस्ट्री से ही मिल सकती है। तो इस प्रकार से ओरल हिस्ट्री हमारी हिस्टोरियंस की हेल्प करती है पास्ट को दोबारा से रिक्रिएट करने में। अगला, एक वॉइस इन द विंडलनेस, ये महात्मा गांधी के बारे में कि महात्मा गांधी न्यू दैट हीज वॉज ए वॉइस इन द विंडलनेस बट ही नेवर दी लेस कंटिन्यू टू अपोज द आइडिया ऑफ पार्टीशन। देखिए, पार्टीशन का जो आइडिया था उस पार्टीशन के आइडिया में यदि आपको देखोगे, कैबिनेट प्लान जब फेल हो जाता है तो कैबिनेट के प्लान के बाद जिन्ना तो पहले पाकिस्तान डिमांड करते थे, लेकिन कांग्रेस के भी मोस्ट ऑफ द लीडर्स हैं वो पार्टीशन के लिए तैयार हो जाते हैं। लास्ट तक जो दो ही व्यक्ति थे जिन्होंने पार्टीशन का विरोध किया है, पहले थे महात्मा गांधी और दूसरे थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। केवल यही दो व्यक्ति थे जिन्होंने लास्ट टाइम तक पार्टीशन का हमेशा विरोध किया है। बाकी कांग्रेस के जितने भी लीडर्स थे वो सब भी पार्टीशन के लिए तैयार हो चुके थे। तो इस प्रकार से देखें तो कि ये वॉइस इन द विंडलनेस की इस प्रकार में कि गांधी जी की वॉइस केवल एक अकेली एकांत में एक वॉइस आ रही थी, एक आवाज़ आ रही थी। तो गांधी जी पार्टीशन के बारे में क्या सोचते थे उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है उनका। बट व्हाट ए ट्रेजिक चेंज वी सी टूडे, आई विश द डे मे केम अगेन वेन हिंदू एंड मुस्लिम्स विल डू नथिंग विदाउट म्यूचुअल कंसल्टेशन। गांधी चाहते हैं कि आज जो दिन है वो ऐसा दिन मेरे को दोबारा ना देखना पड़े। मैं चाहता हूँ कि एक दिन दोबारा से ऐसा है जब हिंदू और मुस्लिम दोनों आपसी कंसल्ट के साथ, भाईचारे के साथ कुछ डिसीजन ले। आई एम डे एंड नाइट टर्मेंट बाय द क्वेश्चन व्हाट आई कैन डू टू हेस्टन द कमिंग ऑफ दैट डे। कि इस प्रकार का दिन लाने के लिए मैं रात दिन ये सोचता हूँ कि मैं और क्या कर सकता हूँ। आई अपील टू द लीग नॉट टू रिगार्ड एन इंडियन एज इट्स एनिमी। मैं लीग से यानी मुझे अपील करता हूँ कि वो किसी भी भारतीय को अपना दुश्मन ना माने। हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर बॉर्न ऑफ द सेम सोयल। हिंदू और मुस्लिम दोनों का जन्म इसी समान मिट्टी से हुआ है। दे हैव द सेम ब्लड, उनमें एक समान खून है। ईट द सेम फूड, एक ही खाना खाते हैं। ड्रिंक द सेम वाटर एंड स्पीक द सेम लैंग्वेज, वो दोनों एक ही भाषा बोलते हैं, कि पर करके पानी पीते हैं। बट आई एम फर्मली कन्विंस्ड दैट द पाकिस्तान डिमांड एज पुट फॉरवर्ड बाय द मुस्लिम लीग इज अन इस्लामिक। लेकिन मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि पाकिस्तान की जो डिमांड मुस्लिम लीग के द्वारा रखी गई है वो अन इस्लामिक है। इसका वो आर्ग्यूमेंट देते हैं कि आई हैव नॉट हेजिटेटेड टू कॉल इट सिनफुल।
साथ ही मैं इसे एक बुराई के रूप में कहने के लिए भी कोई हेजिटेशन नहीं है। वो अन इस्लामिक इसलिए बोलते हैं कि इस्लाम स्टैंड फॉर द यूनिटी एंड ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड, कि इस्लाम में जो भाईचारे और ब्रदरहुड की बात की गई है, नॉट फॉर डिस्टर्बिंग द वननेस ऑफ ह्यूमन फैमिली। देयरफॉर दोज हु वांट टू डिवाइड इंडिया इनटू पॉसिबल वेरिंग ग्रुप्स आर एनिमीज अलाइक ऑफ इस्लाम एंड इंडिया। इसलिए जो लोग धर्म के नाम पर भारत को बांटने की बात कर रहे हैं, वो इस्लाम और भारत दोनों के दुश्मन हैं। दे मे कट मी टू द पीसेज बट दे कैन नॉट मेक मी सब्सक्राइब टू समथिंग विच आई कंसिडर टू बी रॉन्ग। वे चाहे तो मुझे टुकड़ों में काट सकते हैं, लेकिन वे मुझसे ऐसा कुछ सब्सक्राइब नहीं करवा सकते जिसे कि मैं गलत मानता हूँ। तो एक्सप्लेन व्हाट डिड गांधी विश टू सी अगेन, समझाइए गांधी जी क्या दोबारा से क्या देखना चाहते हैं। तो वो सिंपल सा पैसेज में है कि गांधी विश टू सी अगेन द डे विच मे केम अगेन वेन हिंदू और मुस्लिम्स विल बी नथिंग विल डू नथिंग विदाउट म्यूचुअल कंसल्टेशन। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ द डिमांड फॉर पाकिस्तान वाज अन इस्लामिक। तो इसका आंसर ही पैसेज में है कि गांधी जी स्टेटेड द डिमांड फॉर पाकिस्तान वाज अन इस्लामिक बिकॉज इस्लाम स्टैंड्स फॉर द यूनिटी एंड ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड, नॉट फॉर डिस्टर्बिंग द वननेस ऑफ ह्यूमन फैमिली। देयरफॉर दोज वुड वांट टू डिवाइड इंडिया इनटू पॉसिबल वेयरिंग ग्रुप्स आर एनिमीज अलाइक ऑफ इस्लाम एंड इंडिया। व्हाई डिड गांधी से दैट हिज वॉइस वाज ए वॉइस इन द विल्डरनेस। एक्सप्लेन और द गांधी न्यू दैट ही वाज ए वॉइस इन द विल्डरनेस एंड लाइज द रीजन बिहाइंड इट। तो इसका रीजन पैसेज में नहीं है, आपने बुक पढ़ी है तो इसका रीजन आप समझ पाओगे कि महात्मा गांधी न्यू दैट हीज वाज ए वॉइस इन द विल्डरनेस बिकॉज आफ्टर द फेलियर ऑफ कैबिनेट मिशन मोस्ट ऑफ द कांग्रेस लीडर्स एग्रीइंग फॉर द पार्टीशन, सीइंग पार्टीशन इट एज ए ट्रेजिक बट अनअवॉइडेबल। ज्यादातर कांग्रेस लीडर भले ही पार्टीशन को ट्रेजिक मानते थे, लेकिन वो अब तक ये एक्सेप्ट कर चुके थे कि ये अनअवॉइडेबल है, इसे रोका नहीं जा सकता, इसे टाला नहीं जा सकता। लेकिन गांधी जी स्टिल डिडंट डू नॉट एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ पार्टीशन एंड ट्राई टू चेक इट। लेकिन गांधी जी अभी भी पार्टीशन के आइडिया को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे और उसे रोकने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे। हाउ डिड गांधी ट्राई टू रिस्टोर कम्युनल हार्मनी अमंगस्ट द मासेस ऑफ इंडिया, कि ये दोबारा से सवाल इसमें ऐड कर दिया उन्होंने जिसके पैसे से कोई मतलब नहीं था इसका। तो इसका आंसर वो जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि 77 ईयर ओल्ड गांधी डिसाइडेड टू स्टेक हिज ऑल इन ए बीड ऑफ वेंडेट हिज लाइफ लॉन्ग प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस एंड हिज कन्विक्शन दैट पीपल सर्ट्स कुड बी चेंज्ड। ही मूव्ड फ्रॉम द विलेजेस ऑफ नॉर्थ टू ईस्ट बंगाल प्रेजेंट डे बांग्लादेश टू द विलेजेस ऑफ बिहार एंड देन टू द रॉयट टर्म स्लम्स टू कलकत्ता एंड दिल्ली इन ए हीरोइक एफर्ट टू स्टॉप हिंदू मुस्लिम किल ईच अदर केयरफुल एवरीवेयर टू रीअश्योरेंस द माइनॉरिटी कम्युनिटी। हाईलाइट द कंसर्न ऑफ गांधी जी ऑन द आइडिया ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन को लेकर गांधी जी क्या चिंता थी उसको हाईलाइट करना है। तो गांधी जी फर्मली कन्विंस्ड दैट द पाकिस्तान डिमांड एज पुट फॉरवर्ड बाय द मुस्लिम लीग इज एन इस्लामिक एंड आई हैव नॉट हेजिटेटेड टू कॉल इट सिंपल इस्लाम स्टैंड फॉर द यूनिटी एंड ब्रदरहुड। वो लाइन दोबारा से इसमें आपको लगानी है। ओके, व्हाट रिक्वायरिंग वीमेन मीट, कि जो ये जो पैसेज है वो रिलेटेड एक कहानी से रिलेटेड एक पैसेज है। प्रकाश टंडन की एक बुक है पंजाब सेंचुरी, वैसे भी आपको एमसीक्यू के लिए इसको याद रखना चाहिए। तो प्रकाश टंडन राइटर है, पंजाबी सेंचुरी इसकी बुक का नाम है, जो कि एक ऑटोबायोग्राफिकल सोशल स्टोरी ऑफ द कॉलोनियल पंजाब की है। सॉरी, यहाँ पे क्या था कि देखिए पार्टीशन के बाद जब 1950 के बाद इंडियन और पाकिस्तान गवर्नमेंट के बाद कुछ समझौते होते हैं, तो उन्हें दोनों गवर्नमेंट्स के बीच जो समझौता होता है उसमें सबसे बड़ा एक समझौता ये होता है कि जो महिलाएं हैं उनका एक्सचेंज किया जाएगा। कि मतलब पार्टीशन के समय पाकिस्तान से जो महिलाएं इंडिया में आ गई हैं, इंडिया से कुछ महिलाएं पाकिस्तान चली गई हैं, तो अब उनको एक दूसरे की कंट्री से एक्सचेंज किया जाएगा। लेकिन आप सोचिए कि कंडीशन कितनी मतलब बुरी रही होगी, कि जैसे इसके ऊपर एक अमृता प्रीतम की एक मूवी भी है पिंजर, आप देखोगे कभी, उसमें मनोज वाजपेयी की बहुत अच्छी एक्टिंग है। कि मान लीजिए एक महिला 1947 में पार्टीशन करके, या गदर वाली मूवी भी आप देख आपको याद होगी कि पार्टीशन के टाइम जो सकीना है वो इधर रह जाती है सनी देओल के पास, और उसके बाद उसके फादर उसे फोर्स करके उधर लेके जाते हैं। अब तब तक उसे महिला के मतलब बच्चे भी हो चुके हैं, उसका पूरी फैमिली इधर इंडिया में है, और उसे ज़बरदस्ती पाकिस्तान में रोकने की कोशिश की जाती है, तो वो कैसे रोकेगी, वो वहाँ से इंडिया आने का एफर्ट लगाती है। तो इसी प्रकार 1947 में जब महिलाएं इधर से उधर एक्सचेंज हो गई थी ज़बरदस्ती या किसी भी कारणों से, तो उनमें से उनकी फैमिली तब तक सेटल हो चुकी थी, उनकी शादियाँ हो चुकी थी, और उसके बाद जब दोनों गवर्नमेंट्स इस प्रकार के एग्रीमेंट करती हैं कि बाउंड्री के इस साइड और उस साइड जो महिलाएं गलती से चली गई हैं या जिनको फोर्सफुली रखा गया है, अब उनको एक्सचेंज किया जाएगा, तो आप सोच सकते हो कि एक एक्सचेंज कैसे पॉसिबल है। कि ह्यूमन बींग्स के इमोशंस होते हैं, उनका लव होता है, केयरिंग होता है, फैमिली होता है, मतलब एक सेटल लाइफ को दोबारा से छोड़कर आपको दोबारा से एक नई जिंदगी में भेजा जा रहा है। तो इसी प्रकार की कहानी सिख युवक की, वहीं कहानी एक सिख युवक और एक मुस्लिम गर्ल की। पार्टीशन के टाइम जो सिख है वो एक मुस्लिम गर्ल को रख लेता है, ये कहानी वो एक गदर वाला प्लॉट है इसके अंदर।
और उस समय जब ये अग्रीमेंट होता है, तो अग्रीमेंट होने के बाद ये था कि जब इस प्रकार की महिलाओं को एक्सचेंज किया जाएगा, तो उसके लिए पुलिस और गांव गांव घूमती थी और इस प्रकार की महिलाओं को ढूंढने का काम करती थी। साथ में कुछ सोशल रिफॉर्मर्स थे, वो भी ये काम कर रहे थे। तो उनमें से कुछ इस प्रकार के पुलिस वाले और रिफॉर्मर्स हैं, उनको ये इन्फॉर्मेशन लगती है कि इस सिख युवक ने शादी किया हुए एक मुस्लिम महिला है और वो पाकिस्तान की है, और उसे इस अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान वापस भेजा जाना है। तो ये सिख युवक है, इसी इन चीज़ों से डर जाता है और ये डरते डरते कोलकाता चला जाता है। लेकिन कोलकाता में भी पुलिस को पता लग जाता है, तो फिर ये दोबारा से पंजाब आ जाता है और पंजाब में किसी गांव में छुप जाता है। अब उसी समय उसका एक बच्चा भी होता है, तो वो अपने बच्चे को तो अपने फैमिली के कुछ लोगों के पास भेज देता है, साथ में अपनी वाइफ को लेकर कहीं छुप जाता है। उसी समय इसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है, तो ये खुद ही अपनी वाइफ की डिलीवरी करवाता है। और उसके बाद उस जो मेल फीमेल काउंटर पार्ट है उसको फीवर होता है, और 3 दिन के बाद वो उसकी वही डेथ हो जाती है। तो ऐसे क्यों होगा ये, मतलब फिर पुलिस और सोशल रिफॉर्मर से इतना डरा हुआ होता है कि बुखार वगैरह उसकी कंडीशन इतनी ख़राब होने के बाद भी उसे हॉस्पिटल ले जाने की हिम्मत नहीं कर पाता है। तो इसी कहानी के ऊपर ये सवाल है कि व्हाट रिकवरिंग वीमेन मीन, पंजाब सेंचुरी के अंदर ये दिया गया है। तो मैंने इस कहानी आपको बता दी है, ठीक है, आप वैसे ही पढ़ सकते हो उसको। यहाँ से हम सीधे किस तरह से उधर चलते हैं, बड़ा लंबा ये। डिस्क्राइब द ट्रेजिक एक्सपीरियंस ऑफ द सिख यूथ हु परसीडेड द किलर्स टू लेट हिम टेक द गर्ल विद हिम। तो ये कि जो किलर जो उस समय जो वॉयलेंस हो रहा था, तो उस समय की बात है कि उस समय वो सिख युवक है, वो जो किलर से उनको परस्यूट करता है कि इस लड़की को उसे अपने साथ ले जाने दिया जाए, वही गदर वाली कहानी। ड्यूरिंग द पार्टीशन द सिख यूथ परस्यूटेड ए मास्केरिंग क्राउड टू लेट हिम टेक अवे यंग ब्यूटीफुल मुस्लिम गर्ल। दे गॉट मैरिड एंड स्लोली फेल इन लव विद अदर। तो शादी करते हुए धीरे धीरे एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। बट दी सोशल वर्कर्स एंड पुलिस वॉन्ट टू रिकवर द मुस्लिम गर्ल बिकॉज द इंडियन एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट डिसाइडेड फॉर एक्सचेंज ऑफ दोज वीमेन हु वर रॉन्ग साइड ऑफ बॉर्डर। ड्यू टू दिस बोथ ऑफ देम ट्राई टू एस्केप देमसेल्व्स एंड फाइनली आफ्टर हर डिलीवरी सी रैन हाई फीवर एंड इन एंड विद इन 3 डेज शी वाज डेड। हर हस्बैंड और द सिख बॉय हैड नॉट डेयर टू टेक हर टू द हॉस्पिटल बिकॉज ही वाज सो अफ्रेड द सोसाइटी सोशल वर्कर्स एंड द पुलिस वुड टेक हर अवे। ये कहानी मैंने जो आपको बताई उसी का इसे यहाँ पे आंसर में लिखा है। Why did the social workers and police want to recover the Muslim girl? The social workers and police want to recover the Muslim girl because the Indian and Pakistan governments decided for exchange of those women who were wrong side of border. ठीक है, तो इसके लिए वो उसे रिकवर करना चाहते हैं। एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन बोथ द मुस्लिम गर्ल एंड द सिख यूथ। तो एक्सप्लेन उनका रिलेशन ये कि ड्यूरिंग द पार्टीशन द सिख यूथ परस्यूटेड ए मास्किंग क्राउड टू लेट हिम अवे यंग ब्यूटीफुल मुस्लिम गर्ल। दे गॉट मैरिड एंड स्लोली फेल इन लव विद अदर। ठीक है, हाउ डिड द गर्ल डाई, वो लड़की वो कैसे मर जाती है उसको एक्सप्लेन करना है। कहानी में पहले मैंने बताया कि आफ्टर हर डिलीवरी सी रेन हाई फीवर एंड इन 3 डेज सी वाज डेड। हर हस्बैंड और द सिख बॉय हैड नॉट डेयर टू टेक हर टू द हॉस्पिटल बिकॉज ही वाज सो अफ्रेड एंड सोशल वर्कर्स एंड द पुलिस वुड टेक हर अवे। वो इसे डरा हुआ था इसलिए उसे छुपा के रखता है, और 3 दिन में डिलीवरी के बाद उसे बुखार होती है तो वो मर जाता है। ओके फ्रेंड्स, अभी अभी मेरे को एक मैसेज मिला था जिसमें एक स्टूडेंट्स ने मैप से रिलेटेड कुछ सवाल पूछे थे। तो मैप से रिलेटेड कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो, तो मैंने मैप से रिलेटेड लगातार 5-6 वीडियो पीछे डाल रखे हैं। आप प्ले सीरीज प्ले लिस्ट में जाइए, उनको ढूंढिए, और उसमें मैंने बहुत ही प्रॉपर तरीके से मैप का आपको समझाने की कोशिश की है। उसी के अकॉर्डिंग यदि आप 2-3 बार उन वीडियो को रिवाइज कर लोगे, तो मेरे हिसाब से कोई भी मैप में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ करोगे, आई थिंक इट इज़ बेटर फॉर यू। ओके डियर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय।